ये एक बहुत ही शानदार विषय है। थोड़ी सी आदत नहीं होने से देरी बहुत सारे साथी लगा देते हैं, पर देरी नहीं लगानी, तुरंत इस पे काम करना शुरू करना है। बहुत ही जादुई डायरी है। इसका क्या है, क्यों है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। सो संक्षेप में समझेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। रिवीजन कर रहे हैं ये। सफलता के लिए हमें कई प्रकार की गतिविधियां करनी होती है, तब जाके सफलता हासिल होती है। जैसे कि प्रोडक्ट शेयरिंग है, प्रचार है, विभिन्न विषयों के लिए हमें फॉलो अप करना होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने होते हैं, विभिन्न तरह के कोर्स करने होते हैं, होम मीटिंग करनी होती है, वीडियो देखना आदि। तो ये सब विधिवत तरीके से प्रॉपर हो तो हम सफल हो पाते हैं। अब ये क्या गतिविधियां करो तो अपनी इच्छा की बात है, नहीं करो तो कोई पेनल्टी, कोई नियम, कायदा, कानून, सरकारी कानून कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, इसलिए छूटने की और भूलने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। अब इसके लिए अगर हमें कोई टाइम पर याद दिला दे तो ये सारी गतिविधियां होती रहेगी और सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसका क्या एक समाधान है, सफलता के अलार्म की डायरी बना लेते हैं कि और उसमें हम रोज करने के योग्य, मतलब मुझे क्या करना है वो सारा उसमें लिख लेते हैं और फिर उसको देखकर प्रतिदिन करने योग्य कामों को नोट करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम बैठ सकता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके लिए एक पृथक डायरी बना लें और उस डायरी में अलग अलग पृष्ठ निर्धारित कर लें अलग अलग विषयों के लिए। लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्य बनाएं, उसके बाद आदतों के पेज बना लें, फिर सीखने के अलार्म, सिखाने के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, फॉलोअप के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म, पीयूसी वंडरवर्ल्ड के अलार्म, काम करने का सही तरीका क्या होता है, और मूल्यांकन, जो हम समय समय पर अपना मूल्यांकन करेंगे इसके लिए अलग अलग पृष्ठ निर्धारित कर लें। शुरू में हो सकता है कि हम एक छोटी शुरुआत कर पाए, कुछ ही बातें लिख पाए, कोई मिक्स में भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे सीखने के सिखाने के मिक्स हो गए, कोई बात नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा उसमें दिक्कत नहीं है कि उससे कुछ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अलग अलग बनाने से तो फायदा ये होता है कि कोई चीज सीखना कितना है वो प्रॉपर हो पाता है, लेकिन एक बार शुरुआत में मिक्स भी हो जाता तो चलेगा, कम बनाएंगे तो भी चलेगा, धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जाए। और रोज पॉकेट डायरी में रोज नोट करना सुबह सुबह, ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये हमें अगर नहीं करते तो ये आज के बदलाव में हमें लिखना है कि प्रतिदिन पॉकेट डायरी में सुबह सुबह नोट करूंगा कि आज क्या क्या करना है, इससे सफलता के अलार्म डायरी से। और इसमें ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, अभियान की ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियों को अलार्म डायरी में शामिल करते रहें, जैसे जैसे जानकारी आती रहती है शामिल करते रहें। मान लो अपने को गुरुकुल में साथियों को बुलाना का बात आई तो वो शामिल कर लिया, बदलाव की बात आई तो वो शामिल कर लिया, आदतों की बात आई वो शामिल कर लिया, हमें क्या लक्ष्य इस महीने के वो हमने नोट कर लिए, क्या क्या सीखना है रोज, कौन से वीडियो रोज देखने हैं वो नोट कर लिया, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने वो नोट कर लिया, किन किन विषयों पे साथियों को फॉलोअप, ऐसे जब जब जो चीज जानकारी में आए वो उसमें नोट करते रहो। और कितने अलार्म बनाने, ये हमको अपना कितना हमें समय मिलता है उस आधार पर हमें निर्धारित करने हैं, ऐसे बनाने कि 100% हम उनको पूरा कर सकें, और ज्यादा भी नहीं हो कि हम जिनको न देख पाए न पूरा कर पाए, इतने कम भी नहीं हो कि हमारा काम ही नहीं बने। अलार्म से कम काम नहीं करना है, तो ये एक हमें आदत बनानी है, तभी वो डायरी काम आएगी। अगर हमने कुछ भी लिख लिया और कुछ उसका मतलब नहीं है, ध्यान नहीं देता, तो फिर वो डायरी हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी, केवल बनाने का समय खराब होगा। स्पष्ट और गिनने योग्य अलार्म होने चाहिए। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अलार्म ऐसे भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े, और ऐसे भी नहीं हो कि पूरा करना ही संभव न हो। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो ईमानदारी से ये सारा कार्य करना है, तभी ये काम आएगी। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्य को
मद्देनजर रखें कि मेरा क्या लक्ष्य है, वो लक्ष्य सारे पूरे होने चाहिए। और दूसरों के कारण से भी आप सहायता ले सकते हैं, परंतु नकल में भी कहते हैं ना, अकल की जरूरत होती है। तो मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे लिए क्या संभव है, उसके आधार पर हमें बनाने हैं। अलार्म रोज करने वाले, साप्ताहिक, मासिक, अलग अलग तरह के हो सकते हैं कि महीने में मैं इतना काम करूंगा, ऐसा भी हो सकता है रोज इतना काम करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, वो अलग अलग उसमें निर्भर करता है। ये सारा प्रैक्टिस के साथ होगा, अभी जानकारी से नहीं होगा ये ज्यादा। ये जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमें, और बनाते समय डरना भी नहीं है, संकोच भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात है, हम जब चाहें इनको चेंज कर सकते हैं। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है, ऐसे कामों को जरूर लें ताकि हमारा स्मार्ट वर्किंग हो, और स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को अलार्म में शामिल करें। इसके लाभ क्या क्या होंगे? स्थायी ग्रोथ में सहायक होगा, गतिविधियां छूटेगी नहीं, कार्यक्षमता विकास, यानी हम जितना काम अभी कर सकते हैं उसका कई गुना इस दायरे के माध्यम से कर पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार सारे अलार्म बनाएंगे तो लक्ष्य, समय का सदुपयोग होगा, फालतू समय नहीं जाएगा हमारा, तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब काम सिस्टमेटिक होता है, सब लिखा हुआ है, व्यवस्थित है, तो तनाव नहीं होता है, सीखने में सहायक होता है, अनुशासित टीम बनाने में सहायक, और ऊर्जा में वृद्धि। कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि क्या उदाहरण होते हैं, जैसे लक्ष्य मैं प्रतिमाह इतने प्रतिशत की ग्रोथ करूंगा, प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा पीवी के प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा, मैं अपनी हर ज्वाइनिंग को 1 माह में 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा, या हर ज्वाइनिंग को मैं सक्रिय व गुणात्मक, क्योंकि पहले का लिखा हुआ है तो अभी सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा, ऐसे लिखना चाहिए। अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, या सारे क्लब जो है वो इतने साथी तैयार करूंगा, ये लक्ष्य हो सकता है। अपनी टीम में इससे ज्यादा वीर वीरांगना तैयार करूंगा, एक ऐसा लक्ष्य हो सकता है। अपनी टीम में इससे ज्यादा पीपीसी की जगह अभी उड़ान आ गया, उड़ान तैयार करूंगा, अपने क्षेत्र के 2 अंडरवर्ल्ड की बिक्री बढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा, इससे ज्यादा हाइजीन कैंप करूंगा। ये सारे लक्ष्य जो है आप अपने, जो भी आप अपने लिए निश्चित करते हैं वो लिखने हैं, किसी और को देख कर नहीं। आपने क्या लक्ष्य तय किया, आपको क्या करना संभव लग रहा है, आपकी टीम कितनी बड़ी है, उस आधार पर सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। ये कुछ उदाहरण है। आदतें अलग से फिर हम इसके बाद एक पेज बना सकते हैं, वो इसमें नहीं दिखाया गया है। फिर सीखने के अलार्म के उदाहरण, कि मैं गुरुकुल कार्यशाला अटेंड करूंगा, उसके अनुसार होमवर्क करूंगा। देखिए होमवर्क करना जरूरी, इसलिए इसमें लिखा हुआ है हर गुरुवार शुक्रवार को किसे, अब हर को करना है कि महीने में 4 करने 6 करने, वो सब अपने हिसाब से आप नोट करें। ऐसे न्यूट्रीचार्ट के प्रोग्राम के बारे में नोट करें। सफलता के अलार्म डायरी बनाना सीखूंगा, अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा, मैं अपने कार्यों का मूल्यांकन करना सीखूंगा, प्रतिदिन गुरुकुल के वीडियो देखूंगा, मैं उड़ान कोर्स में शामिल होऊंगा। ये सीखने के अलार्म हुए, ऐसे सिखाने के अलार्म होते हैं, मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा, प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को बेग फाइल डेमो आदि, जो भी वो तैयारी होती है वो सारी तैयारी कंप्लीट करूंगा, मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दूंगा, मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को सफलता के अलार्म डायरी बनाना सिखाऊंगा, प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को होम मीटिंग लेना सिखाऊंगा, ऐसे और भी विषय सिखाने के हो सकते हैं जो भी जरूरत होती है। ये उदाहरण है सारे हैं, ये कोई वो नहीं, उदाहरण का मतलब होता है आप इसके जैसे ऐसा कर सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलावा मैं अपना बैग तैयार करूंगा, प्रतिदिन तैयार रखूंगा प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण, वीडियो फाइल आदि, प्रोडक्ट डेमो किट, ये सब तैयार करने के, प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा, 1 दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा, इस तरह के ये भी उदाहरण है। अलार्म साप्ताहिक भी हो सकते हैं, प्रतिदिन के भी हो सकते हैं, महीने के भी हो सकते हैं, औसत आधार पे हो सकते हैं, ये सब अपन अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, हर विषय में इसी तरह से कर सकते हैं। फॉलोअप के उदाहरण है कुछ, फॉलोअप के अलार्म के, मैं प्रतिदिन गुरुकुल कार्यशाला के लिए
इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। अब मान लो ये जैसे अलार्म आपने लिख रखा है, इस अलार्म को रोज सुबह देखकर आप अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर लेते कि आज मुझे 5 साथियों को गुरुकुल के, तो आपकी ये गतिविधि लाइफ टाइम चलती रही। अभी क्या होता है कि जिस दिन बात करते हैं उस दिन ध्यान रहता है, बाकी फिर गायब हो जाता है। बहुत दिनों तक, महीनों महीनों तक हम किसी को गुरुकुल के लिए बात ही नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे अन्य विषयों में हम व्यस्त हो जाते हैं या उतना ही ध्यान रह पाता है। तो ये अलार्म लिखने के ऐसे फायदे होते हैं। प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूंगा, हो सकता है आप कंसिस्टेंसी के लिए करें, हो सकता है आप उड़ान के लिए करें, हो तेजस के लिए करें, डायमंड क्लब के लिए करें, इससे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नोट किया जा सकता है रोज के लिए। एक बार ये डायरी बन गया और रोज पॉकेट डायरी में नोट कर लिया, तो सारे काम ऐसे होंगे जैसे कोई ऑटोमेटिक हो रहे। हर ज्वाइनिंग का फॉलोअप प्रतिदिन अलग अलग फॉलोअप के लिए सूची तैयार करूंगा प्रतिदिन, और 10 साथियों से उनके फॉलोअप की रिपोर्ट लूंगा कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो मैं अपने माध्यम से पूरी टीम का फॉलोअप कर पाऊंगा। ग्रोथ के अलार्म, इससे ज्यादा होम मीटिंग करूंगा, इससे ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा, इससे ज्यादा मैं परिवर्तित करने, नई ज्वाइनिंग को सक्रिय करने पर कार्य करूंगा या गुणात्मक पर। ये ग्रोथ के अलार्म में टीम में ये पीपीसी डायमंड क्लब या बड़े क्लब नियुक्ति चार आदि संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। हरित संजीवनी तुलसी पेंट आदि की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। प्रति सप्ताह अपनी टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। ये ग्रोथ के लिए सारी जो जरूरी चीजें हैं वो इसमें ऐसे लिख सकते हैं। काम करने का सही तरीका में भी कुछ चीजें लिख सकते हैं। सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदुओं को फाइनल डायरी में नोट करूंगा। मेरा तरीका ये है कि जब हम सुन रहे हैं सीख रहे हैं तो हाथों हाथ हम फाइनल नहीं कर पाते हैं फाइनल डायरी में। तो एक बार वो सुनते समय तो बहुत सारा लिख लेते हैं, फिर उसमें से एक्सेल में कौन सा अलार्म बनाना है वो, ऐसा मेरा तरीका हो सकता है। ऐसे काम करने के भी सही तरीके हम ऐसे नोट कर सकते हैं। प्रतिदिन के करने योग्य कार्य को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा पूरा, ये एक आदत बना ली। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा, यानी जो भी अलार्म बनाए तो हम बार बार उसको चेक करो कि नहीं इसको ऐसे करूं तो मैं और ज्यादा परिणाम ला सकता हूँ, ये अलार्म की बजाय अब ये हो गया है। पहले 10 ज्वाइनिंग, एक को 10 में ज्वाइनिंग परिवर्तित करने का लिखा था, लेकिन अब सक्रिय और गुणात्मक, तो ऐसे जरूरत के अनुसार बदलते भी रहना पड़ता है। लिखे हुए हर अलार्म को अनुशासन से पालन करूंगा। ऐसे मूल्यांकन करना है, प्रति सप्ताह अपने लक्ष्यों के साथ परिणामों का मूल्यांकन करें। आपने जो लक्ष्य ले रखे हैं अब उनका मूल्यांकन करें हर वीक में कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या कहाँ क्या करना चाहिए, ये मूल्यांकन करें। ये व्यक्तिगत मूल्यांकन करें, समूह में करें, टीम के साथियों का करें, तो इससे क्या होगा समय समय पर आवश्यकता अनुसार एक बदलाव लाएंगे और